दोस्तों, आपने जो थंबनेल में फ़ोटो देखी होगी, आज मैं आपको वैसी फ़ोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा, वो भी एडोबी लाइटरूम से। अरे भाई सुनिए, अगर आपको एडोबी लाइटरूम नहीं आता है तो मैं बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपनी फ़ोटो को एक क्लिक में एडिट कर सकते हैं। वो ट्रिक मैं वीडियो में कभी भी बता सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम एडिटिंग का ट्यूटोरियल सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भैया जो इंट्रो बनाए, इंट्रो देख लेते हैं। तो चलिए इंट्रो देखिए, उसके बाद हम मिलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, जहाँ पर हम आपको एडिटिंग करना पूरा पूरा सिखाएंगे। तो गाइस, मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपको एडिटिंग कैसे करनी है। उसके लिए आपको अपना एडोबी लाइटरूम इंस्टॉल कर लेना होगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका एडोबी लाइटरूम मिलेगा वाटर मार्क फ्री। तो चलिए हम अपना एडोबी लाइटरूम खोल देते हैं। एडोबी लाइटरूम हम जैसे खोलेंगे, उसके बाद हमको यहाँ पर एक फ़ोटो सिलेक्ट करनी होगी जिसको हमको एडिट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक फ़ोटो सिलेक्ट करके आ जाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपनी फ़ोटो एडिट के लिए यहाँ पर मैंने इम्पोर्ट कर ली। मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारी फ़ोटो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब हम इसमें करेंगे थोड़ी बहुत कलाकारी, जिससे हम फ़ोटो को निहार देंगे। और साथ ही साथ बता दूँ, मैं जिस टेम्पलेट या जिस प्रीसेट को यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है, फ़ोटो को थोड़ा सा रिटच करेंगे और हम थोड़ा सा गोल्डन लुक लाएंगे। अगर आप जैसे पार्टी वेयर के लिए फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं या फिर ब्राइडल फ़ोटो का लुक देना चाहते हैं अपनी फ़ोटो में, तो आप वो इससे कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको सबसे पहले लाइट के ऑप्शन पर जाना होगा और कॉन्ट्रास्ट आपको कर देना होगा फ़ोटो का यहाँ पर 79। तो मैं यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को कर देता हूँ एकदम 79। तो यहाँ पर मैं कॉन्ट्रास्ट को कर लेता हूँ पूरा पूरा 79। तो देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट कर दिया और फोटो कुछ ज़्यादा हमारी अभी के लिए बढ़िया लग रही है। कॉन्ट्रास्ट कर दिया हमने 79। मैं दिखा देता हूँ इफ़ेक्ट कितना आ जाता है बिफ़ोर और आफ्टर में। कॉन्ट्रास्ट के बाद आपको यहाँ पर अपना बाकी सेटिंग नहीं जानी, सिर्फ आपको इफ़ेक्ट्स में जाना है। इफ़ेक्ट्स में आपको फ़ोटो की क्लैरिटी को यहाँ पर ड्रैग करके ले आना है, फ़ोटो की क्लैरिटी को कर देना है यहाँ पर आपको 54। मैं अप्रॉक्सीमेटली 54 यहाँ पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको कर देना है फ़ोटो की क्लैरिटी 54। दोस्तों, ये थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं आपको खाली डेमो के लिए दिखा रहा हूँ 54। और डीहेज भी आपको इसका एक्सीड करके कर देना होगा यहाँ पर 54 ले आता हूँ मैं। देख सकते हैं डीहेज मेरा यहाँ पर आ चुका है 54 पे ले आता हूँ मैं थोड़ा सा। उसके बाद हमें यहाँ पर डिटेलिंग पे जाना होगा, बाकी कुछ नहीं करना है। फिर हमें यहाँ पर अपना अगला ऑप्शन जाना है डिटेलिंग, जहाँ पर हमको फ़ोटो की शार्पनेस को कर देना होगा 54। तो चलिए मैं यहाँ पर फ़ोटो की शार्पनेस को 54 कर देता हूँ। उसके बाद आपको रेडियस भी रहने देना है, डिटेल आपको यहाँ पर कर देनी है जो 25 होगी अगर, तो आपको डिटेलिंग अपनी कर देनी है यहाँ पर 55। डिटेलिंग 55 करने के बाद आपको नॉइज़ कैंसिलेशन जो भी लिखा होता है, नॉइज़ डिटेक्शन सॉरी, उसको कर देना होगा यहाँ पर आपको ड्रैग करके 54। तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ 54 अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद यहाँ पर आपको डिटेलिंग पे आना होगा और इस डिटेल को भी 50 है तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के आपको कर देना होगा 54। उसके बाद आपको यहाँ पर कलर नॉइज़ डिटेक्शन पे आना होगा, इसको भी आपको ट्रैक करके पूरा पूरा 54 कर लेना। आप अपनी फ़ोटो के हिसाब से देख सकते हैं कम ज़्यादा करके, मुझे इस फ़ोटो में यही बढ़िया लग रहा है तो मैं इस पर लगा देता हूँ। डिटेलिंग आपको इसकी कर देनी होगी 62। और डिटेलिंग 62 करने के बाद यहाँ पर आपको आनी होगी स्मूथनेस, तो फ़ोटो की स्मूथनेस को हम यहाँ पर ड्रैग करके ले आएंगे पूरा पूरा 70 कर देंगे। तो देख सकते हैं फ़ोटो हमारी कितनी स्मूथ हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपको प्रोफाइल्स के ऑप्शन पर जाना होगा। यहाँ पर आपको कर देना होगा आर्टिस्टिक, आपको यहाँ पर 4 सेलेक्ट कर देना होगा और आपको इसकी थोड़ी सी डेप्थ बढ़ा के 200 कर लेनी होगी, या 100-200 आप अप्रॉक्सीमेटली रख सकते हैं जैसा आपको पसंद आ जाए। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्टिकल लेंस पे आना होगा जो ये आप ऑप्शन देख रहे हैं, और आपको इसको दोनों को यहाँ पर इनेबल कर देना होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, फ़ोटो हमारी कैसी तैयार हुई। आप देख सकते हैं बिफ़ोर हमारी कुछ ऐसी लग रही थी और आफ्टर देख सकते हैं काफ़ी ख़तरनाक लग रही फ़ोटो, एकदम ज़बरदस्त लग रही है, काफ़ी चेंजेस हो गए इस फ़ोटो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आए पहली बार तो सब्सक्राइब के बटन पर चाहे आप कुछ भी फेंक के मारिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो क्लिक हो जाना चाहिए। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।